गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस. दिस इज चैप्टर 10, पे अटेंशन इन द मोरल. पे अटेंशन मीन्स ध्यान देना. पे अटेंशन मीन्स ध्यान देने से मतलब ये है कि जैसे कोई भी हम काम करते हैं तो वो ध्यानपूर्वक अटेंटिवली करनी चाहिए. जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो या कोई भी वर्क हो या घर का काम हो या बाहर का काम, तो वो अटेंटिवली करना चाहिए, ध्यान से करना चाहिए. जिससे वो काम करने से, उस तरह से करने से क्या होता है कि वो अच्छे से होता है, उसमें टाइम नहीं लगता है और काम भी प्रॉपर तरीके से होता है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वी शुड पे अटेंशन टू अवर टीचर्स वाइल दे टीच अस इन द क्लास. हमें क्लास में पढ़ाते हुए जब टीचर पढ़ा रही होती हैं तो उस समय बिल्कुल ध्यान से उनको सुनना चाहिए, अटेंटिव बैठना चाहिए. वी मस्ट लिसन ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द टीचर वेरी केयरफुली. हमको ध्यान से उनके सारे जो कह रही हैं, बातें बता रही हैं, उनको ध्यान से सुनना चाहिए. द टीचर टेल्स अस मैनी गुड थिंग्स वाइल टीचिंग अ लेसन. टीचर्स हमको बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें बताती हैं जो जब वो लेसन को पढ़ाती हैं. इफ़ वी आर अटेंटिव इनफ टू लिसन टू हिम, जब हम उनको ध्यान से सुनते हैं, वी अंडरस्टैंड द लेसन वेरी वेल, हमको वो लेसन अच्छे से समझ में आता है. बट इफ़ वी आर नॉट अटेंटिव, जब हम अटेंटिव नहीं रहेंगे, सही से ध्यान से उनकी बातें नहीं सुनेंगे ना समझेंगे, तो हमको वो लेसन भी समझ में नहीं आएगा. Thus, it is necessary to be attentive in the class. इसलिए हमको क्लास में ध्यान से उनकी बातें ज़रूर सुननी चाहिए. One day, एक दिन our science teacher taught a lesson, gave us some homework. एक दिन साइंस की टीचर हम लोग को लेसन उन्होंने पढ़ाया, चैप्टर वो पढ़ाया और हमको होमवर्क दिया काम करने के लिए घर से. बट शिवम वॉज नॉट अटेंटिव वाइल द टीचर वॉज टीचिंग इन द क्लास. लेकिन शिवम वो बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं था क्लास में और उन्होंने टीचर की भी बात नहीं सुनी. देयरफॉर ही डिडंट अंडरस्टैंड द लेसन, इसलिए वो लेसन भी नहीं सही से समझ पाया. नेक्स्ट डे व्हेन ऑल द स्टूडेंट्स वेयर शोइंग देयर होमवर्क टू द टीचर, शिवम कैप्ट स्टैंडिंग विद द सेम. जब सभी बच्चे अपना काम दिखा रहे थे, होमवर्क जो करके लाए थे घर से, वो टीचर को अपना काम शो कर रहे थे, दिखा रहे थे, लेकिन शिवम जो था वो शेम से, मतलब शर्म से खड़ा हो रखा था क्योंकि उसने काम नहीं किया था. द टीचर आस्क्ड शिवम, टीचर ने शिवम से पूछा, व्हाई डिडंट यू कंप्लीट योर होमवर्क, तुमने अपना काम क्यों नहीं किया. शिवम सेड, शिवम ने कहा, आई एम सॉरी मैडम, आई वॉज नॉट अटेंटिव इन द प्रीवियस क्लास. मैं पिछली क्लास में अटेंटिव नहीं था, ध्यान से मैं कोई भी बात नहीं सुन रहा था. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द लेसन प्रॉपरली, इसलिए मुझे वो लेसन, वो चैप्टर सही से समझ में नहीं आया. द टीचर वॉन्ड हिम टू बी अटेंटिव इन द क्लास. टीचर ने उसको वॉन्ड किया, उसको चेतावनी भी दी कि तुम क्लास में अटेंटिव रहो, ध्यान से सुनो कोई भी बात जो कही जा रही है, ठीक है. तो द टीचर एक्सप्लेन्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अटेंटिव इन वंस लाइफ. तो टीचर ने उस समय एक्सप्लेन किया, बताया कि कितना हमारे लाइफ में अटेंटिव रहना, ध्यान से कोई भी चीज़ काम करना कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पॉर्टेंस है उसका. इफ़ वन स्टडीज़ फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट बीइंग अटेंटिव, यदि कोई भी अपने क्लास में अपने लॉन्ग टाइम में बिना अटेंटिव हुए स्टडी करता है, इट बियर्स नो फ्रूट. ऑन द अदर हैंड ए बॉय हु स्टडीज फ्यू आवर्स सीरियसली, एक कोई बच्चा, उसको कोई भी फल नहीं मिलता उसका. और अगर दूसरी तरफ एक कोई बच्चा है अपने कुछ ही घंटे सीरियसली वो अटेंटिव हो करके के ओर पढ़ता है, डज वेल इट इन हिज एग्जामिनेशन, वो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करता है. बीइंग अटेंटिव होना मतलब ध्यान से कोई भी काम करना. वी बिकम मोर रिस्पॉन्सिव एंड बाई बिकमिंग रिस्पॉन्सिव वी विन एंड सक्सीड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ. हम अटेंटिव रहने से क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं. रिस्पॉन्सिव मतलब कि हमें
किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में क्षमता आ जाती है कि हम कोई भी काम अच्छे से कर सकते हैं, और वो फिर काम अच्छे से हो जाता है और हम अब हर फील्ड में, अपने लाइफ के हर फील्ड में सक्सीड रहते हैं। इफ़ वी आर नॉट अटेंटिव, अगर हम अटेंटिव नहीं हैं, वी ऑल्सो कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिव, हम रिस्पॉन्सिव भी नहीं हो सकते। इफ़ वी आर नॉट रिस्पॉन्सिव, अगर हम रिस्पॉन्सिव नहीं हैं, तो वी कैन नॉट विन एंड सक्सीड एनी वेयर, तो हम कहीं पे भी हमको सफलता नहीं मिलेगी और ना हम जीत पाएंगे किसी भी चीज़ में। कीप एन आई ऑन इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ लाइफ, इसलिए हमको इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारे लाइफ में जो भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं उन पे नज़र रखनी चाहिए कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, और उसको अटेम्प्टिव तरीके से ही एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी एंड द चैप्टर 10, पे अटेंशन। Thank you.